अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 7 एंड टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड बायोडिवर्सिटी। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनको कितने ग्रुप्स में आगे क्लासिफाई किया गया है। एंड सेकंड जो हमने पढ़ना है वो बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। जो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं। वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन के बाद अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। द मेजर ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर फर्न्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्कस एंड एकिनोडर्म्स। आगे इसको भी क्लासिफाई कर दिया गया और डिफरेंट इसकी भी क्लासेस हैं। फर्स्ट करते हैं हम फर्न्स। दे आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन द ओशन। एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। दे यूजली रिमेन अटैच टू स्टूल्स। दे बॉडी इज फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली एंड कनाल्स इंटरनली। अब डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये स्टोन्स के साथ चिपके रहते हैं। बॉडी के बाहर की साइड पर इनके पास पोर्स होते हैं और इंटरनली जो है कनाल्स होती हैं इनकी बॉडी के अंदर। वाटर enters through the pores and exists through a large pole. If any body parts break, they can form it again. वाटर पोर्स के ज़रिए अंदर आता है और वो लार्ज पोर के ज़रिए बाहर निकल जाता है। इस तरीके से वो जो वाटर के साथ जो फूड मटेरियल आता है वो ले लेते हैं। और अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है तो ये दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वॉर्म्स। वॉर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। देयर बॉडी इज़ राउंड एंड सिलेंड्रिकल। दे हैव नो लेग्स। द बॉडी ऑफ सम वॉर्म इज़ डिवाइडेड इन टू अ सेगमेंट्स, अर्थवर्म्स एंड टेपवर्म्स। द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स, फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स। अच्छा, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो हैं वो वॉर्म्स हैं, ठीक है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं तीन तरह के वॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। बॉडी राउंड भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है, लेग्स नहीं होती इनके पास। और जो सम वॉर्म्स होते हैं वो उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि अर्थवर्म एंड टैपवर्म। और कुछ जो होती हैं उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, जैसे कि फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स वगैरह। थर्ड वन इज इंसेक्ट। The insects are invertebrate with jointed legs. अच्छा, joints legs होती हैं इनकी, ठीक है। their body is segmented और body segmented होती है। The body is divided into three parts. Body three parts में divided है, head, thorax and abdomen. आप यहाँ भी में देख सकते हैं तीनों parts आपको नज़र आ रहे होंगे। The number of legs is small, six or three pairs. Six होती हैं या तीन पेयर्स होते हैं। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ हार्ड। एक्सटर्नल जो सरफेस है उनकी बाहर वाली वो काफ़ी हार्ड होती है। उसका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। स्केलेटन क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है बॉडी को। स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक अ स्टिक एंड इज ग्रीन और ब्राउन इन कलर। अब जो स्टिक इंसेक्ट है वो स्टिक की तरह नज़र आता है, ग्रीन और ब्राउन कलर का होता है। यही वजह है कि उसको स्टिक इंसेक्ट बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वॉकिंग स्टिक, और इसके वॉकिंग स्टिक भी बोला जाता है। लीफ इंसेक्ट्स लुक लाइक अ लीफ। बोथ ऑफ दीज हाइड इन द एनवायरनमेंट टू रिमेन हिडन फ्रॉम द एनिमी। अच्छा, लीफ इंसेक्ट लीफ की तरह आता है और ये क्या करते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर ये दुश्मनों से अपने छुप सकें, यानी अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं। ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं कि कोई इन्हें ना देख पाए। फोर्थ वन इज मोलस्कस। दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल। दे लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन ऑन लैंड, ठीक है। दे मूव फ्रीली और रिमेन अटैच टू एनी थिंग। सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, पॉन्ड, तालाब वगैरह, नहरें, ओशंस में रहते हैं। एंड फ्रीली और रिमेन अटैच टू एनी थिंग, यानी आज़ाद भी रहते हैं या किसी चीज़ के साथ अटैच भी होते हैं। बॉडी ऑफ सम मोलस्कस इज कवर्ड विद शेल। कुछ की होती है उनकी बॉडी शेल में कवर होती है, जैसे स्नेल और ऑस्टर वगैरह। वेर एज सम्स आर विदाउट शेल, और कुछ विदाउट शेल होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस। फिफ्थ वन इज एकिनोडर्म्स। दिस एनिमल्स आर फाउंड ऑनली इन द ओशन। ये एनिमल सिर्फ ओशन में पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी हेड, इनका कोई हेड नहीं होता। द एनिमल मे बी डिक्स और स्टार शेप्ड और अ लॉन्ग वन। स्टार शेप्ड होते हैं जैसे कि स्टार फिश, और लॉन्ग वन होते हैं जैसे ब्रिटल स्टार देख लें, ये भी स्टार की शेप की होती है। सी एनिमल देख लें, वो भी एकिनोडर्म्स की एग्जाम्पल है। इनका हेड नहीं होता। द बॉडी हैज़ अ स्पाइनी कवरिंग, और इनकी बॉडी जो है उसके ऊपर स्पाइनी कवरिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। द नंबर ऑफ
काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, कि कितने काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर प्लेस में रह रहे हैं उसे बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है. द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट. वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है वो एक्सटिंक्ट कहलाते हैं, जैसे कि डायनासोर्स. मैनी ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म सच एज बंगाल टाइगर पांडा. और वो एनिमल्स जो आने वाले कल में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज बोला जाता है, जैसे कि बंगाल टाइगर और पांडा वगैरह. दे आर मैनी एंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो नियर टू एक्सटिंक्ट हैं और एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि स्नो लैपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मार्कफोर. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. अब इंसान बायोडाइवर्सिटी पर कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं. द फॉरेस्ट आर बींग कट फॉर कल्टिवेशन एंड अर्बनाइजेशन. द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. अनदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज एंडेंजर्ड एनिमल्स. अच्छा, अब क्या होता है कि फॉरेस्ट हम काट देते हैं कल्टिवेशन, यानी अगर हमने वहाँ क्रॉप्स वगैरह के लिए काट रहे हैं, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए हम काट रहे हैं, तो इस तरीके से फॉरेस्ट का काटना है वो एनिमल्स के हैबिटेट को तबाह कर देता है, उनके पास कोई हैबिटेट नहीं रहता. यही वजह है कि वो बहुत जल्द ख़त्म होते जा रहे हैं. इसके अलावा जो एक और इम्पैक्ट है कि हम हंटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा. अगर हंटिंग एनिमल्स की हो रही है तो भी वो एनिमल एंडेंजर्ड में चला जाता है. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स हैज़ बीन रेगुलराइज्ड टू सेव द हैबिटेट. द नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स हैज़ बीन इंक्रीज. नेशनल पार्क हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स आर कैप्ट. हमें ट्रेडिंग जो है उसको रेगुलराइज्ड करना चाहिए, मीन्स के इलीगल अगर जो काम है उनको बंद कर देना चाहिए, हंटिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर इलीगल ट्रेडिंग जो है एनिमल्स की वो बैन हो जानी चाहिए. उनका इन्वायरमेंट सेफ रखना चाहिए, कटिंग नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स होने चाहिए वर्ल्ड में, ताकि वहाँ पे उन एनिमल्स को रखा जाए जहाँ एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, वो वाले एनिमल्स वहाँ रखे जाएँ ताकि वो प्रिजर्व हो सकें और उनकी तादाद मज़ीद ना कम हो. होमवर्क में है आपके, टिक द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड. इसमें से कौन सा एक्वेटिक बर्ड का फुट है. फर्स्ट वाला ए आप देख सकते हैं, वेब्ड है. सेकंड वन, द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप. अब कैट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, हमें पता है वो मैमल्स से करता है. अब फिश रिस्पायर थ्रू विच ऑर्गन. फिश रिस्पायर कौन से ऑर्गन से करती है, गिल्स के जरिए. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉटिलेटन्स इन अ ग्राम सीड. ग्राम सीड के अंदर कितने होते हैं, 2 कॉटिलेटन्स होते हैं. विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन द ओशन. कौन से ग्रुप है जो ओशन में पाया जाता है. अभी हमने पढ़ा है कार्नोडर्म्स हैं जो सिर्फ ओशन में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी है क्या. द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी. के कितने ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक जगह पर रह रहे हैं वो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी. डिफाइन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट. वो प्लांट्स एंड एनिमल जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है वो एक्सटिंक्ट कहलाते हैं, जैसे कि डायनासोर्स. व्हाट आर एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, गिव एग्जांपल. मैनी ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बंगाल टाइगर एंड पांडा. वो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो आने वाले कल में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे उन्हें एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, जैसे कि बंगाल टाइगर एंड पांडा. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंस बिटवीन वॉर्म्स एंड इंसेक्ट. अब वॉर्म्स और इंसेक्ट में डिफरेंस हमने देखना है. वॉर्म्स क्या होते हैं, हमें पता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, जबकि इंसेक्ट है उनकी आउटर में एक हार्ड स्केलेटन होता है जिसे हमने एक्सोस्केलेटन कहा. द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी इज हार्ड विच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. अच्छा, वॉर्म्स का सेकंड पॉइंट, देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल, कि उनकी बॉडी राउंड और सिलेंड्रिकल होती है, जबकि इंसेक्ट की बॉडी, देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, और उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है. दे हैव नो लेग्स इन वॉर्म्स. वॉर्म्स के पास कोई लेग्स नहीं होते, बट इन इंसेक्ट द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 पेयर्स. जो इंसेक्ट में है नंबर्स ऑफ लेग्स 6 होते हैं या 3 पेयर्स होते हैं. अब आपने तमाम काम जो है अपने नीट कॉपीज पे, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग पे करना है, इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन इन वर्टिब्रेट्स दोनों के होमवर्क आपने कॉपीज पे करना है. नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, मार्जिन ड्रॉ किए हुए हो, डे एंड डे आपने लिखा हुआ हो.
खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।